तो दोस्तों, कैसे हो? सभी ठीक हो गए? अपने घर पे रह रहे हो गए? आपने अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे नाम सुना होगा हाइप का। हाइप क्या है? स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वाइड हाइप क्या चल रही है? किसी स्मार्टफोन की हाइप कैसे चल रही है? ब्लाइंड ऑर्डर्स हो रहे हैं फ़ोन्स के, और फ्लैश सेल चल रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं कि आप स्मार्टफोन में आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन आप उसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं स्मार्टफोन की हाइप की। तो ब्रांड्स चाहती है कि उनका प्रोडक्ट अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आए, लेकिन जल्दी से जल्दी उसके ऑर्डर्स हो जाएं, जल्दी से जल्दी उसकी सेल्स स्टार्ट हो जाए और वो बिकना स्टार्ट हो जाए। और कंपनी स्मार्टफोन को लॉन्च से पहले ही टीज़ करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा वन प्लस 8 सीरीज आ रही है, जो पिटेला ने खुद ने कंफर्म कर दिया कि $1000 के अंडर होगी उसकी प्राइसिंग हायर वेरिएंट की। और उनकी वेबसाइट पे भी ऑफिशियल आ गया है कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा। काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है। तो लीकस्टर का काम होता है सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशंस को काफ़ी सारे फॉर्म से डाउनलोड करके और आपको समझाना कि ये इसके अंदर आने वाला है। लेकिन जो ब्रांड जो हाइप क्रिएट करती है उसके बारे में ब्रांड्स की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि वो किस टाइप से अपने कंज्यूमर को अग्री कराए कि ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है मार्केट के अंदर। तो वही हाइप होती है और आप उसके अंदर फंसते चले जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि स्मार्टफोन के अंदर क्या होगा, लेकिन आप जो हाइप का नाम सुनते हो, जो स्पेसिफिकेशंस देख लेते हो और फीचर्स देख के आप उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए चले जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं उसकी प्राइसिंग क्या है। ब्लाइंड ऑर्डर के अंदर आप ऑर्डर कर देते हो। सबसे बड़ी मूर्खों की बात होती है कि आप ब्लाइंड सेल के अंदर ऑर्डर कर देते हो। आपको पता ही नहीं उस स्मार्टफोन के अंदर क्या होगा, क्या प्राइसिंग पे आएगा, लेकिन आप उसको पहले से ऑर्डर कर देते हो। कोई सेंस नहीं बनता आपके स्मार्टफोन को ऑर्डर करने का। जैसे आपने देखा होगा पोको F1 आया था, तो पोको F1 से पहले काफ़ी सारी हाइप क्रिएट हो गई थी कि पोको F1 किलर स्मार्टफोन होगा, लेकिन पोको F1 अपनी हाइप पे खरा उतरा और उसने सभी कुछ को किल कर दिया था। तो अब पोको F1 तो इतने सारे फीचर्स के साथ आया और जिस प्राइस पे आया, सभी कंपनियों के पसीने छूट गए थे कि ये स्मार्टफोन कैसे इतना कम प्राइस पे मेंटेन हो गया ब्रांड्स के थ्रू। लेकिन वहीं पे बात होती है रेडमी के 20 सीरीज़ की। तो रेडमी ने काफ़ी सारा उसको टीज़ किया। आज भी रेडमी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रोफाइल की जो कवर पेज और उनकी प्रोफाइल है, वो K20 वाली है। आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैं, मैंने चेक किया तो थे उनके। तो अभी तक K20 सीरीज़ को लेके रेडमी को इतनी चिंता हो चुकी है कि वो उस फ़ोन ने जो ग्रोथ करनी थी वो नहीं कर पाया। किलर 2.0 के नाम से उन्होंने उसे इतना टीज़ किया था, लेकिन जिस दिन उसकी प्राइस सामने आई तो सब कुछ अलग सा हो गया था। प्राइस इतनी ज़्यादा रखती जितनी स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर डाली नहीं थी। तो K20 Pro प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन जो प्राइसिंग थी उसके कारण उसको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी और वो इतना ज़्यादा बिका नहीं, इतनी ज़्यादा उसकी सेल्स नहीं हुई। तो ये K20 सीरीज़ की बात थी, और कहीं पे पोको F1 भी था। तो अभी जो OnePlus के अपकमिंग डिवाइसेस हैं 8 सीरीज़, उसकी हाइप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है 5G को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई स्मार्टफोन पिछले ईयर लिया है तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनी का काम है प्रोडक्ट को लॉन्च करना, लेकिन आपका काम है कि सोच समझ के उसको लेना कि वो किस टाइप का स्मार्टफोन है। तो पूरी वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी स्मार्टफोन के फीचर को देख के, प्राइसिंग को देख के स्मार्टफोन परचेज मत कीजिए, उसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखिए, बायस रिव्यू मत देखिए। तो यही बात है कि हम स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स और प्राइस देख के हाइप के चक्कर में स्मार्टफोन ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमें उसके रिव्यूज़ देखने चाहिए 7 डेज, 10 डेज, 20 डेज, उसके बाद हमें उसको परचेज करना चाहिए। और ऑनेस्ट रिव्यू देखने चाहिए, किसी के फेक रिव्यूज़ नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गलत होते हैं, पैसे दे के होते हैं। आपको पता नहीं होगा, अगर आपके पास अगर कोई रिव्यू के लिए यूनिट आती है तो उसके साथ एक PDF भी आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपको ये इस फ़ोन के बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात नहीं करनी। तो आप नहीं समझ सकते कि कौन सी वीडियो बायस्ड है, कौन सी अनबायस्ड है, लेकिन आपको इतना समझ आ जाएगा कि जिस वीडियो के अंदर सिर्फ डब्बा खोलने से, आपको अनबॉक्सिंग से आपको स्मार्टफोन का पता नहीं चलता। काफ़ी सारे कंपैरिजन होते हैं, उसकी बिल्ड को लेकर कंपैरिजन होते हैं, उसके कैमरा सैंपल्स को लेकर कंपैरिजन होते हैं, प्रोसेसिंग, गेमिंग, सभी चीज़ को टेस्ट किया जाता है, चार्जिंग स्पीड को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद स्मार्टफोन को लेना चाहिए आपको, उन वीडियोस को देखना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टफ़ लिस्टिंग्स, मुकुल सर,
और टेक्नो रुएज भाई सबसे बेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं अभी तक मैंने देखा है। शाहरुख भाई और नमन द्विवेदी भाई एंड्रोवाइड से, और टेक फॉर ट्यूबर आलोक मिश्रा भाई, काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं। तो पेड रिव्यूज़ को देख के आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मत जाइए, आपको काफ़ी सारा धोखा झेलने को पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरी देखे करें, अगर कोई आपको कुछ एक्सप्लेन करता है तो आपको समझने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपने हाइप के चक्कर, आपको अच्छी लगती है हाइप, तो हाइप के चक्कर में मत जाइए, ब्लाइंड सेल के अंदर ऑर्डर कभी भी मत करना, मूर्खता होगी सबसे बड़ी। स्मार्टफोन को लॉन्च होने दीजिए, कम से कम 20 दिन जाने दीजिए, वीडियोस आपके सामने आ जाएगी रिव्यूअर्स की और यूट्यूबर्स की, उन वीडियोस को देखिए क्या बात उन्होंने बोली है इस फ़ोन के बारे में। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है जिसको कोई 6 महीने में, तो आप क्यों नया स्मार्टफोन परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड का काम है स्मार्टफोन को लॉन्च करना, और हमारे जैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे और पुराने फ़ोन को सोचते हैं ये बेकार है। लेकिन आपको नहीं पता आपके पास जो स्मार्टफोन है वो सबसे बेस्ट है अभी तक, और आपने जस्ट अभी तो परचेज़ किया, तो आप नए स्मार्टफोन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो यही है कि आप हाइप के अंदर मत फंसिए। अगर आपने हाइप के अंदर कोई स्मार्टफोन परचेज़ किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना, और अगर हाइप आपको अच्छी लगती है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड बाय, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब का बटन भी होगा नीचे उसको नीला कर दो। गुड बाय, साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।